हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्विच टू रिसीवर के बारे में। जैसे कि हम ऑटो स्विच टू रिसीवर सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैंस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी पर जाना है या फिर इस वाले ऑप्शन पर जाना है, सॉरी। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑटो स्विच टू रिसीवर। तो राइट साइड से आप इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीव व्हेन योर लेफ्ट ईयर फोन टू योर ईयर, यानी कि आपके लेफ्ट ईयर पर आपका फ़ोन होगा तो आप ऑटोमेटिकली रिसीव कर सकते हैं फ़ोन को, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑफेंस ऑफ करना चाहते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऑफेंस अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, क्या सर्च करना होगा, ऑटो स्विच टू रिसीवर, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।